आशीष ये हमारी गाड़ी में पीछे पट करा कोई बोल हटे आप खुद डाल जी जी अच्छा देखिए अभी हम गाड़ी में चल के आ रहा हूं हवा से कर दिया भैया आप लोग बोले कि राइट तो काम बंद बदल करेंगे नहीं इसके बाद आपकी आस्था और अन्य दल में हो जाए नहीं अब हम आके मस्जिद में जाएंगे नहीं अपना आप नंबर भी जारी कर दे बात करने वाला 9415 वैसे आप नंबर लिख लें 9415 आप पार्टी में शामिल हुए तो उसके लिए आप वर्तमान में MNC के पद पर तैनात हैं और भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन की है, कौन सी नीतियां उसकी अच्छी लगी, किन नीतियों से प्रेरित होकर आप भारतीय जनता पार्टी में आई हैं? भारतीय जनता पार्टी में मुझे काफी नीतियां बहुत अच्छी लगी हैं। जब भी मैंने मुख्यमंत्री से समय मांगा मुझे समय मिला, जबकि मैं समाजवादी में रहते हुए मुझे समय नहीं दिया। आज कोई भी काम हो, कोई भी मैंने लेटर दिया हो मुख्यमंत्री को, उन्होंने पूरे सम्मान से मेरे काम किए और हर जगह जहाँ भी उनकी मीटिंग होती थी मुझे सम्मान से बुलाया जाता था, मंच पर सम्मान से नाम लिया जाता था। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओरछा आए थे, उस समय मैं वर्तमान में पूरे बुंदेलखंड में एक MLC थी जहाँ मुझे पीछे सीट दी गई थी, मेरा भी कुछ सम्मान है। जब मुझे सम्मान नहीं मिला तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि मुझे वहाँ मुझे सम्मान दिया जाता है। हर मीटिंग में मुख्यमंत्री ने मेरा नाम लिया है और हर मीटिंग में मैं उपस्थित रहेगी। आज ये पोजीशन रही है कि मैं मुख्यमंत्री मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं तो मुझे नीतियाँ और कोई भी विकास के काम हुए, मैं हरदम समाजवादी में रही तब भी मैं विकास के साथ रही हूँ और जो भी विकास की कार्यशैली है मुझे बहुत अच्छी लगी भाजपा की, इसलिए मैंने भाजपा ज्वाइन। इसके पहले 4.5 साल तक समाजवादी पार्टी की नीतियाँ और कार्यशैली अच्छी लगती थी, अब क्या हो गया? उनकी उतनी ही थी जो रही है और आज जब मैंने देखा कि भाजपा में वास्तव में कार्यशैली और संगठन कितना मजबूत है, हम उस समाजवादी में तो कोई संगठन नहीं है। आप वर्तमान में हैं या भूतपूर्व में, आप कहाँ बैठ रहे हैं, कहीं सम्मान नहीं दिया जाएगा। आज मैंने भाजपा का संगठन जो देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में एक भाजपा का कार्यकर्ता है, तो मैंने इसी कारण भाजपा ज्वाइन किया। समाजवादी पार्टी में व्यक्ति विशेष को दर्जा दिया जाता है, आपका कहने का मतलब ये है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी।